बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से आज 13वां रोज़ा है और आप सब लोगों को 13वां रोज़ा और रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक हो। और आप सब लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोगों के तो अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े अच्छे जा रहे हैं और आज मैं आप लोगों को होटल स्टाइल में पाव भाजी की रेसिपी दूंगी। पाव भाजी कैसे बनाते हैं झट के पट और क्विक रेसिपी है, इजी है, जल्द से जल्द आप बना सकते हो और आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। और अभी आगे आप लोग देख लो मैं क्या क्या ये करती हूँ। इसके लिए है ना मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हूँ। ये है शिमला मिर्च, ये है पत्ता गोभी, ये गाजर और बीट जो रहता है ना उसका है ये मिक्स, और ये मटर है, और ये है गोभी है, फुल गोभी जो बोलते हैं ना अपनों, वो सब अभी मैं ना प्रेशर कुकर में डालूँगी। और यहाँ पे बटाटा भी है, ये सब अभी मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी। आपको दिखाती हूँ, ये अभी सब मैं इसके अंदर डालूँगी। ये सब मैंने धोकर ली हूँ, अभी ये सब इसके अंदर डालकर है ना इसको हम बॉईल कर लेंगे। पूरी सब्जियां इसमें डालने की और फिर इसमें पानी डालकर है ना इसको अच्छे से ना थोड़ा सा नमक ऐड करने का और फिर अच्छे से इसको बॉईल करके लेने का। अभी ये पूरा हमारा हो गया है, अब इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी इसमें। और अभी इसको ढक्कन लगा देंगे अच्छे से और रख देंगे। और अभी इसकी हम लोगों को है ना 4 से 5 सीटी लेनी है और फिर इसको ऑफ कर देना है। पूरी सब्जी अपनी गल जाएगी इतनी सीटियों में, तब तक मैं प्याज और टमाटर काट कर लेती हूँ, आगे की मैं तैयारी करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से सब्जी अपनी गलने के बाद। और अभी क्या हो गया था मालूम है क्या? लाइट चली गई थी इसलिए ना रेसिपी आपको आधी अधूरी रह गई। यहाँ पे मैंने अभी लाइट तो चली गई इसलिए काम तो नहीं रुका सकते क्योंकि इफ्तारी का टाइम मतलब होता है, फास्ट फास्ट गुजर जाता है, इसलिए अभी पाव भाजी तो ये देखो यहाँ पे मेरे बनकर रेडी है। मैं वापस कभी तो आपको उसकी फुल डिटेल में ना रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ हम तीनों के लिए ही सिर्फ, और थोड़ा मैंने चिकन से चिकन को मसाला लगा के रखा था चिकन 65 का, ये भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और अभी पाव भाजी तो मेरी डन हो चुकी है, अभी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखो लाइट अचानक से ही चली गई और अभी जस्ट अभी आई है लाइट, फिर मैं रेसिपी आप लोगों के साथ कैसे शेयर करती ना अंधेरे में, इसलिए शेयर नहीं की मैंने। और अभी ये मैं समोसे मेरे बना रही हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी। ये देखो पाव भाजी बनकर रेडी है, ये बाजू में देने के लिए मैंने प्लेट निकाली हूँ। यहाँ पे समोसे रेडी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्लावर का एक कुछ तो कर रही हूँ। ये देखो गड़बड़ कितनी चालू है। ये है आज की हमारी इफ्तारी, और अभी हमारी इफ्तारी हो गई है और अभी इफ्तारी करने के बाद नमाज भी हो गई है मगरिब की। और अभी थोड़े से इफ्तारी के जो बर्तन हैं वो अभी मैं घस कर ले लूँगी, नहीं तो फिर कैसे होते बाद में वापस बहुत बर्तन गिरते हैं, क्योंकि अभी खाना बनाए हुए इफ्तारी के बहुत बर्तन हो गए हैं। अभी ये घस कर लूँगी ना तो फिर बाद में अच्छा गिरता है ना, तो बहुत सारा मतलब ढेर जमा हो जाता है। और आज का 13वां रोज़ा आप सब लोगों को मुबारक, और रमज़ान का एक अशरा ख़त्म हो गया है, अभी दूसरा अशरा शुरू हो गया है। और अचानक क्या हुआ, लाइट ही चली गई, लाइट कंप्लीट मतलब आधा घंटा नहीं थी, तो फिर अभी आधा घंटा तो मैं रुक नहीं सकती क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो मतलब हो रहा था ना, आजू बाजू में भी देना पड़ता है ना, तो इफ्तारी टाइम पर रेडी हो गई तो अच्छा होता है ना, इसलिए मैंने पाव भाजी बना दी।
अभी वापस कभी तो आप लोगों के साथ है ना डिटेल में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और आज मैंने पाव भाजी थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था, चिकन 65 थोड़ा सा बनाया था। और आजू बाजू में भी आ जाती है, मतलब आजू बाजू में से भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, तो बहुत सारी हो जाती है इफ्तारी। और हम लोग खाने वाले 3 जन ही है, और इफ्तारी मतलब रोज़ा छोड़ने के बाद में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, सिर्फ कैसे पानी और शरबत से ही पेट और फ्रूट से ही पेट मतलब भर जाता है। और ये तो क्या नमाज वगैरह पढ़ के रात में तरावी वगैरह पढ़ कर लेट आते हैं, इसलिए फिर इनका उतना कुछ मतलब डायरेक्ट ये खाना ही खाते हैं ना, तो इसलिए इफ्तारी में जो रखते हैं हम लोग उनके लिए जो बनाते हैं वो, फिर भी वो रात में उतना उनको जाता नहीं है ना खाने का, ऐसा रहता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी मैं इफ्तारी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी भी वो बहुत सारी हो जाती है। अल्लाह ताला है ना उस चीज़ों में ना बरकत दे देता है। और आप देख लो रमज़ान में आप जितना भी कम मत बनाएंगे ना खाना, उतना आपका बच जाता है और उतनी उसमें अल्लाह ताला बरकत दे देता है। इसलिए अभी ये पाक मुबारक महीना सब लोगों को है ना रमज़ान का महीना अच्छे से गुजरे, सबके जो भी दिली ख्वाहिशें है, दिली तमन्ना है, सब पूरी हो। और सब लोग है ना नमाज़ें पढ़ते रहो, कुरान पाक की तिलावत करो, और रोज़ का मतलब 1 से 1.5 पारा तो पढ़ना ही चाहिए, तो फिर वो 27 से मतलब शबे कद्र तक अपना है ना पूरा हो जाएगा कुरान। क्योंकि औरतों का कैसा बीच में थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह आता है इसलिए और पेंडिंग पड़ जाता है, तो कंप्लीट 1.5 से 2 पारे तो डेली के बेसिस पे पढ़ना ही चाहिए, तो फिर वो तब तक शबे कद्र तक अपना पूरा हो जाता है, एक तो कुरान पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। और जितना हो सकेगा उतना इबादतें करो, ज़्यादा टाइम मोबाइल में मत गलाओ, ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए इबादतों में टाइम करो। और एक बात मुझे बतानी थी कि जो लोग मतलब रमज़ान में शॉपिंग करते हैं, अच्छी बात है रमज़ान में भी शॉपिंग करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अगर रमज़ान के पहले शॉपिंग की करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो कैसे रोज़े रहते हैं, रोज़े में शॉपिंग के लिए जाना मतलब होता नहीं है ज़्यादा, मतलब एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाती है, और कैसा इबादत के लिए भी टाइम वेस्ट हो जाता है, इबादत का भी टाइम चला जाता है। एक तो शॉपिंग से थक के आएंगे आप, मतलब थक के आने के बाद अपने को इबादत तो नहीं होगी, इसलिए मेरा तो ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लोग रमज़ान के पहले ही शॉपिंग कर लिया करो, और थोड़ी बहुत जो मतलब थोड़ी किरकोड़ वगैरह जो रह जाती है बच जाती है वो अगर आपने थोड़ी बहुत रमज़ान में की तो चलेगा, लेकिन प्रॉपर एक जो शॉपिंग होती है कपड़ों की वगैरह वो रमज़ान से पहले ही आप लोग ख़त्म कर लो तो अच्छा रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग अपने हिसाब से आप लोग किया कीजिए, एक मेरा मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। क्योंकि कैसा एक तो रोज़े में ज़्यादा देर इतना घूमने के लिए नहीं होता, और कैसा आप सब है ना एनर्जी मतलब वेस्ट जाती है, और कैसा रहता है इबादत के लिए मतलब है ना टाइम चला जाता है इबादत का, इसके लिए जितना हो सकेगा उतना पहले ही पूरा किए ना तो अच्छा रहता है। इसलिए देखो इसका क्या चला है, इधर मस्ती चालू है, मस्ती के अलावा कुछ नहीं सोचता है लोगों को। क्या कर रही है बेटा, बेटा क्या कर रहे हो तुम, इफ्तारी की है आपने, क्या क्या खाया इफ्तारी में, इधर आके बोलो, नज़दीक आके बोलो, समोसा खाए, और क्या खाए, कलिंगड़ खाया, और फ्लावर की भजी, और पाव भाजी, इतना सब है पेट भरा आपका, पाव भाजी अच्छी बनी थी, क्या बोलने का फिर उसको, अच्छी बनी थी, अच्छा अच्छा, सबको अस्सलाम वालेकुम करो, रमजान मुबारक, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज। और आप सब लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और मुझे सपोर्ट करना, और आप लोग जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूँगी, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना। और वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना। और आप लोग मुझे हमेशा दुआओं में याद रखना, मैं भी हमेशा अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।